हेलो नमस्कार, मैं हूँ कविता और स्वागत है आपका टॉक्स एंड मॉम्स में। आज हम बात कर रहे हैं शिशुओं में दिखने वाले आयरन डिफिशियंसी, ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इससे कैसे हम बचा सकते हैं अपने बच्चे को, क्योंकि आयरन एक ऐसी न्यूट्रिएंट है जिसकी अवेलेबिलिटी जो अच्छी तरह से आपके बढ़ते बच्चों को दिया जाए तभी वो अच्छी तरह से उनका हेल्थ फॉर्म होगा और उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और उनमें हीमोग्लोबिन अच्छी तरह से बनती रहेगी। तो फिर चलिए देखते हैं इन सब की डिटेल्स। आयरन क्या है? आयरन एक आवश्यक पोषक तत्व है जो कि हर बच्चे की वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें आयरन की आवश्यकता हीमोग्लोबिन बनाने के लिए पड़ती है जो कि ऑक्सीजन को फेफड़े से पूरे शरीर तक पहुंचाता है। अगर आपके बच्चे के खाने में आयरन भरपूर नहीं होगा तो उसे अनीमिया या आयरन की कमी हो सकती है। एक बच्चे को कितना आयरन चाहिए? पहले 6 महीने की उम्र तक स्तनपान करने वाले बच्चे की आयरन की ज़रूरत माँ के दूध से ही पूरी हो जाती है, जबकि बोतल के दूध पीने वाले बच्चों को आयरन युक्त फॉर्मूला देंगे तो वहाँ उनकी भी ज़रूरत पूरी हो गई। एक बार जब बच्चा 6 महीने ख़त्म करके ठोस आहार या सॉलिड फूड लेना शुरू करता है तब आप अगर उसे आयरन रिच फूड देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और नीचे हमने एक टेबल बना के दिखाया है हमारे ब्लॉग में इस आर्टिकल के बीच में कि 6 महीने के ऊपर के बच्चे को कितना आयरन चाहिए होता है, तो हमारे ब्लॉग को एक बार आप चेक कर लीजिएगा। आयरन की कमी से बच्चों में क्या परेशानी हो सकती है, आयरन की कमी के बच्चों में क्या लक्षण होते हैं, तो सिम्टम्स के बारे में अभी बात करते हैं हम। जर्द या पेल त्वचा, पेल स्किन, वजन धीरे बढ़ना, भूख में कमी, बच्चों में चिड़चिड़ाहट, क्रैंकी बेबी हो जाते हैं वो, पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है उनमें, और सही अनुपात में ना बढ़ना, मतलब माइलस्टोन रीच नहीं कर पाते उनके एज के हिसाब से, अजीब भोजन की इच्छा जैसे मिट्टी खाना या कोई इधर उधर पड़ा हुआ चीज़ लेके खाना। किनको आयरन की कमी का खतरा ज़्यादा होता है? नवजात शिशु या प्रीमेच्योर बेबीज़, बच्चे जो डिब्बे वाले दूध पीते हैं मतलब फॉर्मूला मिल्क विदाउट आयरन। 6 महीने के ऊपर के बच्चे को आप अगर आयरन का मेजरमेंट चेक करके आयरन फूड नहीं दे रहे हैं तो आयरन की कमी वाली माँ से जन्मे बच्चे जैसे डायबिटिक हो माँ तो आयरन रिच फूड नहीं खाते हों माएँ प्रेगनेंसी के दौरान, तो उनके बच्चे को भी ये पास ऑन हो सकता है। और ऐसे बच्चे जो गाय का दूध बहुत ज़्यादा पीते हैं और एडोलेसेंट या किशोरावस्था में लड़कियां जब मासिक धर्म से दौरान बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस कर जाते हैं तब उनको आयरन डिफिशियंसी हो सकती है। चुनिंदा चीज़ें खाने वाले पौष्टिक आहार ना खाने वाले बच्चों में जैसे पिकी ईटर या चूजी ईटर कहा जाता है उन्हें, शाकाहारी या वेजिटेरियन जो अपने आहार में आयरन रिच फूड नहीं इंक्लूड करते, और बच्चे जो किसी विशेष शारीरिक ज़रूरत से गुजर रहे हैं उनको भी आयरन डिफिशियंसी हो सकती है, और बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाले बच्चे उनको भी आयरन डिफिशियंसी हो सकती है। एथलीट्स या बहुत सारा दौड़ दाड़ करने वाला खेल में जो बच्चे ज्वाइन होते हैं तब उन्हें आयरन डिफिशियंसी हो जाती है क्योंकि उसके हिसाब से उन्हें आयरन नहीं मिलता। बच्चों में आयरन की कमी का पता कैसे चलेगा? अगर आपको ये सारे सिम्टम्स लग रहे हैं तो आपको एक डॉक्टर को मीट करना चाहिए और वो ब्लड टेस्ट करेंगे। पहला है हीमोग्लोबिन का टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट करेंगे वो, और दूसरा है पेरिफेरल स्मियर टेस्ट फॉर ब्लड जिसमें उनके वाइट ब्लड, रेड ब्लड और प्लेटलेट्स काउंट का पता चलता है। और कब आपको आयरन सप्लीमेंट आपके बच्चे को ज़रूरत पड़ सकती है? तो अगर आपका बच्चा संपूर्ण रूप से स्वस्थ है, एक्टिव है और कोई सिम्टम्स जैसे हमने बताए वो नहीं दिख रहा है तो उन्हें नहीं चाहिए। आप खुद ही अपने बच्चे को आयरन सप्लीमेंट मत दीजिएगा। ऐसा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा आयरन बॉडी में हो जाए तो वो भी बहुत डेंजर हो सकता है, तो आपको उन्हें प्राकृतिक रूप से आयरन देना पड़ेगा ना कि सप्लीमेंट्स। अगर आपके डॉक्टर सजेस्ट नहीं कर रहे हैं तो मत दीजिएगा उन्हें। आपके बच्चे को आयरन सप्लीमेंट्स नहीं चाहिए अगर
अगर आपका बच्चा स्तनपान कर रहा है या फॉर्मूला जो आयरन फोर्टिफाइड है उसे लिया है तो उन्हें नहीं चाहिए। और अगर आपने ठोस आहार में उनके करेक्ट मेजरमेंट के साथ करेक्टली प्लान्ड मील प्लान के सहित आयरन रिच फूड दिया है तो उन्हें भी नहीं चाहिए। और अगर आपके बच्चे में जो भी सिम्टम्स हमने अभी तक बताए हैं वो नहीं है तो उन्हें भी ये आयरन सप्लीमेंट्स नहीं चाहिए। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई। हम अपने अगले वीडियो में जो परसों आने वाली है वहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स देंगे कि आयरन बच्चे को कैसे दिया जाए, फूड के रूप में उनके डाइट में क्या क्या इंक्लूड करने से उनको आयरन मिलेगा वगैरह ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो, और सब्सक्राइब करेंगे तो ही हमारे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट आपको मिल पाएंगे। नीचे है सब्सक्राइब बटन और उसके बगल में एक बेल आइकन है, इन दोनों को प्रेस करना मत भूलिएगा। और हम मिलते हैं अच्छे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।